हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने ऑफिस से आकर अपने लिए बनाई है वीगन स्मूदी। ये बहुत ही अच्छी बनी है और इसकी खुशबू पूरे रूम में एकदम फैल चुकी है। इसमें छोटी इलायची, रोज पेटल्स, खसखस का इतना अच्छा फ्लेवर है, तो आप एक बार से जरूर ट्राई करें। और ट्राई करने के लिए आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए, तो चलिए मेरी किचन में मैं आपको इसकी फुल रेसिपी दिखाऊंगी। सो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीगन ठंडाई बनाएंगे, तो इसके लिए हमें एक कप बादाम चाहिए जिसको 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखना है। तो मैंने 5-6 घंटे से इसको भिगोया हुआ है। इसके साथ ही हमें चाहिए 1 स्पून खसखस। इसको भी आपने अच्छे से स्ट्रेनर में इस तरह से डाल के वॉश करके 5-6 घंटे के लिए भिगोना है, जो कि मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। इसके साथ ही हमें चाहिए स्वीटनर, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं ब्राउन शुगर ले रही हूँ, आप चीनी, स्टीविया, शुगर फ्री कुछ भी ले सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन एडजस्ट द क्वांटिटी। इसके साथ ही मैंने लिया है 1 स्पून बड़े वाले सौंफ, 10-12 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची और कुछ रोज के पेटल्स। तो चलिए सबसे पहले हम बादाम को छील लेते हैं और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से एलिमेंट्स को पील कर लिया है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले हम एक चटनी जार में इसको पीस लें ताकि एक अच्छा साइज का फाइन पेस्ट बन जाए। ये मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, मैंने सौंफ मिक्स कर दिए थे, तो मैंने इसमें 1 चम्मच सौंफ भी डाल दिया है। वीडियो कट गया था तो 1 चम्मच सौंफ ही डाला मैंने। 1 चम्मच ब्राउन शुगर डाल देंगे, 2 इलायची और थोड़ी 10-12 काली मिर्च लिया मैंने, और इसके साथ ही इसको भी हम स्ट्रेन करके खसखस को भी डाल देंगे और हमारी जो रोज पेटल्स है इसको भी अच्छे से इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा खसखस है 1 चम्मच, इसको भी डाल देंगे। तो ये हमारा सारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसको एक बार चटनी जार में ब्लेंड करेंगे, उसके बाद इसमें ब्लेंडर में भी ब्लेंड करेंगे। तो आइए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले चटनी जार में इसका अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको एक ब्लेंडर जार में शिफ्ट कर दूंगी और फिर से थोड़ा पानी डाल के इसको ब्लेंड करूंगी। तो फिर इसको हम एक ब्लेंडर में डाल देते हैं और 1 गिलास पानी से इसको फिर से ब्लेंड करेंगे। इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इलायची, सौंफ, रोज पेटल, इसके साथ ही खसखस की खुशबू, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। और जैसे हम सावन में व्रत रखते हैं तो सारा दिन इतना खाने का चॉइस नहीं होता, तो ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है जो कि आप फास्टिंग में भी ले सकते हैं और अदरवाइज भी गर्मियों में ये बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देगा। तो अब मैं इसको थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से जार से पूरा पेस्ट लेके फिर से ब्लेंड करूंगी। तो ये हमारी वीगन ठंडाई एकदम से अच्छे से मिक्स हो गई है, बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। इसको थोड़ा डेकोरेट कर देंगे थोड़े रोज पेटल्स के साथ, और इसका इफेक्ट भी बहुत ही कूलिंग है और फिलिंग भी है स्पेशली फास्टिंग के लिए। सो दिस इज आवर वीगन ठंडाई। इसको आप थोड़ा आइस से चिल्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखिए और ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। थैंक यू।